हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से महिलाओं के लिए बिजनेस और कैरियर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसे महिला घर में रहकर बहुत ही आसानी से कर सकती है, जिससे समय का सदुपयोग भी होगा और इनकम भी। आज के दौर में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसे महिलाएँ नहीं कर सकती। महिलाएँ इन बिजनेस को बखूबी कर सकती है। आइए आज जानते हैं महिला बिजनेस आइडिया के अंतर्गत कम पैसों में शुरू किए जाने वाले बिजनेस के बारे में। ये ऐसे बिजनेस है जिसे महिला 1000 रुपये में घर से शुरू करके प्रतिदिन अच्छी इनकम कर सकती है। आइए जानते हैं 1000 रुपये में शुरू किए जाने वाला बिजनेस ब्रेकफास्ट बिजनेस के बारे में। सुबह अक्सर लोग ऑफिस निकलने की जल्दी में होते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। सुबह सुबह दोनों को ही घर से निकलने की जल्दी होती है। ऐसे में ब्रेकफास्ट तैयार करने का समय नहीं होता। इसी तरह नौकरी के लिए आए लोग जो परिवार के साथ नहीं रहते हैं उन्हें, और ऐसे स्टूडेंट जो दूर दराज से स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं जो हॉस्टलों में नहीं रहते, उन्हें भी नाश्ते की ज़रूरत होती है। ऐसे में यदि उन्हें घर के आसपास से सुबह के समय ताज़ा गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए तो कितनी खुशी की बात है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं वह भी कम पैसों में, तो ब्रेकफास्ट बिजनेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट बिजनेस बेहद डिमांडिंग बिजनेस है। महिलाओं द्वारा इसे करना आसान भी है क्योंकि ये बिजनेस लगभग 2-3 घंटे का बिजनेस है। इसके बाद महिलाएं दिन भर के लिए फ्री। ब्रेकफास्ट के लिए कई आइटम हैं जिन्हें लोग सुबह के वक्त खाना पसंद करते हैं। इन ब्रेकफास्टों को महिलाएं आसानी से तैयार कर सकती हैं। ब्रेकफास्ट में वेज और नॉन वेज दोनों तरह के होते हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार ब्रेकफास्ट में वेज और नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। वेज ब्रेकफास्ट और नॉन वेज ब्रेकफास्ट की डिमांड हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। इसी तरह शहर और कस्बों में भी ब्रेकफास्ट की डिमांड वहाँ के कल्चर पर निर्भर करता है। वेज ब्रेकफास्ट के तौर पर सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला आइटम में डोसा या इडली को नारियल की चटनी के साथ, पोहा और जलेबी, कचौड़ी, पूरी भाजी, पाव भाजी, दही और पराठा, भजिया, पास्ता, नूडल्स, पाव भाजी, समोसा, दाल बड़े, लच्छेदार पराठा, आलू के पराठे, दाल पूरी, ढोकला आदि। नॉनवेज ब्रेकफास्ट में उबले अंडे, ब्रेड आमलेट, आमलेट पराठा, पाव और अंडा भुर्जी, एग रोल, चिकन रोल आदि। आप अपने शहर में लोगों की पसंद और डिमांड के हिसाब से ब्रेकफास्ट बिजनेस को शुरू कर सकती है। ध्यान रहे, स्थानीय लोगों की रुचि के अनुसार ही ब्रेकफास्ट बिजनेस को शुरू करें। यदि आप घर पर ही ब्रेकफास्ट शॉप खोलती हैं तो सुबह के समय टाइम से नाश्ता तैयार कर लें। बिजनेस शुरू करने से पहले आसपास के लोगों और स्टूडेंटों से मिलें और उन्हें ब्रेकफास्ट बिजनेस के बारे में जानकारी दें। उनसे उनकी पसंद और रुचियों के बारे में पता करें। इसके बाद आप तय करें कि आपको किस तरह का ब्रेकफास्ट तैयार करके सेल करना है ताकि हाथों हाथ सारा नाश्ता बिक जाए। घर के सामने यदि जगह है तो छोटा सा स्टॉल भी लगा सकती है जिससे आते जाते लोग ब्रेकफास्ट खरीद सके। यदि आप फ्लैट में रहती हैं और ब्रेकफास्ट का बिजनेस शुरू करना चाहती है तो आप आसपास के कामकाजी लोगों, महिलाओं और स्टूडेंटों से मिलें। इसके अलावा आप ऐसे बुजुर्ग परिवार से भी मिलें जो अकेले रहते हैं, उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है। उनसे मंथली ब्रेकफास्ट सर्विस की बात तय कर लें। हो सके तो उनसे एडवांस ही पैसा ले लें। इससे आपको बिजनेस शुरू करने से पहले इनकम हो जाएगी। अब आप घर पर ब्रेकफास्ट तैयार करें और उन्हें कागज़ के या थर्माकोल के बॉक्स में पैक कर लें। अब इन बॉक्स को लेकर फ्लैट के नीचे सड़क किनारे पर आकर खड़ी हो जाएं। जिन लोगों ने आपको पहले से ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया है वे वहाँ से जाते समय अपना अपना नाश्ता लेते हुए चले जाएंगे। जिन बुजुर्ग लोगों ने या जिन्होंने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर घर में पहुँचाने के लिए किया है, यदि वे आसपास ही रहते तो आप स्वयं जाकर दे सकती हैं या फिर उन्हें घर पर पहुँचाने की व्यवस्था करें। इसके लिए आप अतिरिक्त चार्ज ले सकती हैं। आप कम पैसे में कोई बिजनेस करना चाहती हैं, डेली कमाई करना चाहती हैं तो ब्रेकफास्ट बिजनेस शुरू कर सकती हैं। आने वाले समय में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ब्रेकफास्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी लॉस नहीं हो सकता।
फ्रेंड्स, बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। गुड बाय, टेक केयर।